अबे चाचा तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, घर रहते चाची की लेते रहते यार। अरे बहन की लोड़ी देती तो ना है। बाबू भाई क्या हो गया, किस टेंशन में हो? अबे ओए मन की यस, मैं ये सोच रही हूँ लंडे, 4,000 रुपए हमें एक घंटे के किस बात के दे रहे हैं भाई? बाबू भाई तुम भी यार खामी खा की टेंशन ले रहे हो, झाड़ू से सामान उठना नहीं होगा, कोई सा भारी होगा, इसलिए हमें बुलाया। कम बोला कर भाई कम। जानता नहीं अभी बब्बू टोपी न नीचे न ऊपर न ऊपर न नीचे साला ऊपर। अब ये साले उतार का मारूंगा यही। आर पार की ना हो रही, मजाक चल रही, मजाक मरे। बस अमीम चाचा एक बात बतलाओ, तुम्हारे तो यार चाल लोड़े हैं, तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही है दबाने दबाने की? अरे बब्बू भैया तुम्हें क्या बताऊं, मेरे 4 लड़के हैं, अगर 4 एक रोटी देंगे ना तो मेरा पेट भर जाएगा, पर बेटी 14 अपने बहू के कहने में चलते, इसलिए मजबूर हो गया मैं चाचा। बस इसलिए ही मैंने लोड़ा पैदा नहीं करा बहन का लोड़ा। एक लोडिया 6 महीने की हो गई, आओ उसका बिया कर दूंगा टेंशन फ्री। मुझे पता थी लोटे साले लोटे नहीं देते, हमने खुद अपने बाबा का नदी। हेलो सर। गाड़ी आ गई, सबको अंदर भेज दो। पेंटे उतारो। आज तेरी अब समझ गया मैं, अब ये गाड़ मारेंगे जब भी, तो 1 घंटे के 4,000 दे रहे हैं, अन्नी भाई ऐसा कौन दे देगा? अबे तो चाचा आप क्या करना है? अबे बाबले देंगे 4,000 भी तो मिलेंगे। जी सर। ओके सर। हाँ दिखाओ। हाँ दिखाओ। अब तक 38,000 लोगों का चेकअप हो चुका है, लेकिन जिन बंदों की मुझे तलाश है वो मुझे अभी तक नहीं मिले। यस। जिनकी मुझे तलाश थी वो मुझे मिल चुके हैं, अब मैं उन तीनों को मारकर इस शहर पर अपनी हुकूमत करूंगा। मुझे जानते हो ना? कौन हो तुम? मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। अच्छा, तुम्हारी नायपुर में दुकान दिख है। मैं समझ गया, इनका सवाजपुर वाले ढाल पे ना जच्चा बच्चा केंद्र है। मैं उसमें का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। ओ तुम हमें चांद पे भेजोगे? आज तक गजरोले से बाहर निकले हो। मजाक अच्छा कर लेते हो। मजाक को तू हमारी भाभी लगा है, सलज लगा है, ये मुमानी लगा है हमारी, छोटे वाले भैया की साली है। मेरा काम करोगे? क्यों गंडी तू? साला है गाड़ दूंगा ना, यहाँ पे सही नहीं है, देखो तुम्हारे गाड़ बाड़ भी हंगे, शर्म वाली बात है। तुम इधर को चलो, टेलर चटाई दोनों रखी हुआ देख आई हमने तो। इन्हें लैब में लगाओ सालों को। अरे भाई दुबे, तुमने हमारी घड़ी का टाइम कैसे सेट किया? सर वो जैसे तुम्हारी बहू सेट करी ना वैसे इसका टाइम सेट कर दिया। अरे हपोलू, तुझसे मेरी बहू सेट हो रही है? साले हम तो इसकी बात को दबा के रखे हैं और ये हमारी बात खुल जा। ले अभी दिखाता हूँ तेरी बहू के फोटो घुसल खाने वाले। सर ना ना ना, रहने ना तो वे गए मेरे साथ। दिखाओ भाई इकबाल। दिखाओ सर। ना 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 सर रहने दो। अरे चल तू। अरे चलता क्यों नहीं है? बहुत मारू। अरे चल ना भाड़ू। ये कौन आ रहा है भाई? भाई क्या बात है, कैसे लड़ लो?
अरे इंस्पेक्टर साहब, इस भालू ने मेरा जन्म दुखी कर दिया। कमाता वमाता कुछ है नहीं, शराब पी के मुझे मारता, और बच्चे की फीस भी जमा नहीं करता ये कोड़िया। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या है ये? ये तुम्हारी बहन का घर है और हम तुम्हारे बहन हुई है। हुआ? अबे औरत को मारता, साला कमाता नहीं है, तो बच्चों को भी नहीं देख रहा है, क्या बात है? सर मैं कमाता भी हूँ और धमाता भी हूँ, बस मेरे अंदर एक ही बुरी आदत है, मैं रोज शराब पीता हूँ और सो जाता हूँ। जब ये मुझे सुबह को उठाती है ना, तो मैं इसे रोज मारता हूँ। अबे तो शराब पी के इसको ना मानना और इसकी माननी है। तू भी खुश, ये भी खुश और हम भी खुश। देख खुश हो गए, ले जा घर को इसे। आ जाती है ना दिमाग खराब करने यार, साले नशेड़ी। हाँ तो ले फोटो दिखाऊं इसकी बकवानी ना, देख ले। दुबे यहाँ क्या कर रहा हूँ मोबाइल में घुस के? आओ तभी डालने चलने। सर मैं प्रोवो यूज कर रहा हूँ। प्रोवो ये क्या है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ तुम अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो, सिर्फ हाँ या ना में अपना ओपिनियन देकर। मान लो आपका इंटरेस्ट जो भी हो, क्रिकेट है, यूट्यूब है, फाइनेंस है, यहाँ तक कि मौसम है, सिंपली आपको यस और नो में जवाब देना है और सही होने पर कंफर्म पैसा कमाओ। ट्रस्टेड ऐप है क्या ये? बिल्कुल सर, प्रोवो को 1 करोड़ से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं और रोज अपने ओपिनियन का सही इस्तेमाल करके बड़े रिवॉर्ड जीत रहे हैं। मैं भी इसमें डेली रिवॉर्ड जीतता हूँ। मेरा इंटरेस्ट तो क्रिकेट में है, क्रिकेट के कैसे क्वेश्चन है जरा दिखाना, और उस पर अपना ओपिनियन कैसे सबमिट होगा? सर इसको यूज करना बहुत ही आसान है, रुको मैं तुम्हें कुछ क्रिकेट के क्वेश्चन दिखाता हूँ और उन पर अपना ओपिनियन कैसे सबमिट करना है। देखो, इंडिया टू विन दी थर्ड टेस्ट मैच वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये मैच इंडिया जीतेगी, यस पे क्लिक कर दो। और आप अपने ओपिनियन पे श्योर होते, इसमें क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हो। दुबे जीतने के बाद रिवॉर्ड विड्रॉ कैसा होगा? सर फंड ऐड करना और विड्रॉल करना बहुत ही आसान है, गूगल पे, पेटीएम या कार्ड, किसी भी माध्यम से आप जीते हुए रिवॉर्ड को विड्रॉल कर सकते हो। ये तो बहुत सही है, आपके बारे में बता दिया तूने मुझे, अब मेरा ओपिनियन कभी गलत नहीं जाएगा। तो आप भी जल्दी से जाओ गाइस और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्रोवो डाउनलोड करो, और हाँ हमारे लिंक से डाउनलोड करने पे मिलेगा आपको अप टू 25 रुपीज। डाउनलोड करो, प्रोवो करो। सर क्या ये दोनों कर पाएंगे? ऑफ कोर्स कर पाएंगे, उस्मान कभी अपने मकसद में फेल नहीं होता। सर एक बार चेक तो कर लो ये दोनों कर पाएंगे या नहीं। पहली बात तो ये हमें इनकी लाइव लोकेशन दिख रही है। सर हम इन्हें बाथरूम में भी देख पाएंगे? बाथरूम में क्या, सेक्स रूम में भी देख पाएंगे। सर इनकी बहू दिखवाओ। भोसड़ी के, तुझे इनका लोला ना दिखवा दूं, देखेगा ना। उस्मान अपने मकसद में कामयाब हुआ, अब उन तीनों को निपटाना है। सर वो तीनों है कौन? तेरी माँ के खसम है बे झाटू, 17 सालों से तो मेरे साथ है, एक एक बात का पता, फिर भी अनजान बनता। अबे वो इस शहर की जान है, उन्हें निपटा कर मैं इस शहर पर राज करूंगा। पहला है तस्लीम फिल्टर, दूसरी है अनारकली, और तीसरा है नाजमी किट 44। कल सुबह अहले फजर तस्लीम फिल्टर पर नजर। सर इन्हें मारेगा कौन? तेरी अम्मी मारेंगी, अपने कंधे पर तोप रखे। अबे बहन तो सारी बातों को पता, क्यों अनजान बनते हो? अबे बब्बू और नन्ने मारेंगे, उन्हें मैंने क्यों अपने अंडर में करा है? अरे सुन मित्र, आज के बाद अखबार देने मत आजी मित्र। क्यों क्या हो गया? क्या हो गया? सेक्सी फोटो इसमें आती है ना खबरें, आ मैं जाता कि वैसे ही। मुझे लगता है तस्लीम के साथ किसी ने रंजिश निकाली है, साला लोंडी आवाज भी तो बहुत बड़ा था ये। सर ये ढूंढेगा सबूत, मैंने 3 साल ट्रेनिंग दी है इसे, ट्रेनर कुत्ता है ये। बहुत बढ़िया, ये अपने बहुत काम आने वाला, चलो बेटे। चल बे। दुबे। हाँ सर। लेके जाओ इसे। क्या हो गया? क्या हो गया? अबे इसने मेरे दिमाग की मुट्ठी मार दी। अरे बात तो बताओ, बात क्या हो गई?
नाम क्या है इसका? जर्मन साबट। मुझे टॉयलेट की तरफ को ले जाके ये लंबी साबट दिखा रही आप। ये हमारे किसी काम का नहीं है, देख जाओ। आओ तहकीकात करो। सर एक सबूत मिला है। लाओ दिखाओ। ठीक है जी, इसका क्या मतलब हो सकता? सर मुझे लगता है पीके भैया अपने गोले पे वापस आ गए हैं और गैंग बना के लोगों को मार रहे हैं। अरे नहीं सर, पीके भैया ऐसा ना करने के। अरे भोसड़ी को फोका फोका दिमाग लगा रहे हैं। आओ बाहर को पूछताछ करते हैं। अखबार बांटने तुम ही आते हो? हाँ सर। सुबह अखबार किसको दिया तुमने? गार्ड साहब को दिया, जो गेट पे बैठा है, पूछ लो उनसे। चलो उसे भी मार दिया। मेरे ही अच्छे से वो तो सुबह ही चाय को पूछे करे। गार्ड साहब को हमने मार दिया। हमने मतलब हम जैसे नहीं, इंसान इंसान को तो मारा है। इतना रो क्यों रहा है भाई? रोगा ना तो और हंसेगा। तुम्हें पता इनके मन ने काम है जरा सा भी कम ना, हमें कम है तो हमारे पैसे बनने का। सुबह को महीना होने वाला था। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, मैं दे दूंगा। सर मुझे तो इनपे शक लग रहा, थाने ले चलो दोनों को। बिना सबूत के इन्हें हम थाने नहीं ले जा सकते। ये मुझे शरीफ लग रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और जब मैं बुलाऊं तो आना पड़ेगा। ठीक है जाओ। तो सर क्या पता चल पाया तस्लीम फिल्टर के कातिलों का? नहीं हमें पता नहीं चल पाएगा, आप पता कर लो। ये काम तो सर पुलिस का है। तो पुलिस अपना काम कर तो रही है, तुम क्यों गाल खुजा रहे हो? सलीम तुम्हें आओ मेरे साथ। तो देखिए कितनी निकम्मी हो चुकी है आजकल की पुलिस, अपने काम से बस्ती जा रही है। मैं आपका दोस्त रहीस खुरचंद, कैमरामैन विशाल खुरचंद के साथ, बने रहिए झांट तक न्यूज पे। अबे डंडे यार मुझे एक बात समझ में ना आ रही, हमें क्या हो गया था यार, हमने तस्लीम फिल्टर को ही निपटा दिया। बब्बू नन्ने आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? गाड़ी किस लिए भेजी आपने? तुम्हें लेने के लिए। ये बहन दोनों जने सवारी ढोड़ो के ले कहा है? दोनों भाई एक एक चूतड़ में बैठ कहा है यार, हम तमाम सूझी पड़ी है। बैठ बस, सालों मैंने गाड़ी तुम्हें इसलिए दे रखी है कि तुम उनमें सवारी ढो, थूतड़ी तोड़ दूंगा तुम्हारी। डॉक्टर साहब जब से हम तुम्हारे यहाँ से गए हैं ना, पहले तो किसी की मानने को दिल करा करा, अब किसी को मानने को दिल करता है। अब तक दो निपटा दिए हम दोनों ने। वो तुम मेरे कंट्रोल में हो ना? जी मेरा हम आज तक अपनी बहू कंट्रोल में ना आए, तमाम ताबीज घंटे करवा लिए, कभी सियाली वाले मुल्ला जी से, कभी कटाई वाले मुल्ला जी से, इन आडू झाडू का कंट्रोल मांगे। अबे बब्बू टोपी, अबे ओ यस। मुझे पता है तुम्हें ऐसे यकीन नहीं आएगा, तो देखो अरे हो इधर को चलो अब आकर मेरी चैन खोलो। उस दिन तुम्हें लैब में ले आकर मैंने तुम्हारे अंदर MT-15 T2 सर्टिफाइड नाम की चिप लगा दी थी, जिससे तुम मेरे कंट्रोल में हो। अब कौन से चैन में लगाई है, कितने जीबी की है भाई? बाबू भाई मुझे गांड में लगा दी, दिखा चुभन भी हो रही है। फिकर मत करो, उससे तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं इस वक्त जो चाहूँ तुमसे करा सकता हूँ, लेकिन मैं मजदूर की मजदूरी कभी नहीं मारता। तुम अगला मिशन करने के कितने रुपए लोगे? 25 रुपए मिल जाए बिरयानी वाले वाले और चाय वालों का 300 रुपए। आज बहुओं के लेंगे कंडोम कितने का? 5 रुपए के। दो कंडोम और टाइगर मॉम ले ले दो। 40 लाख रुपए। ओके। अब बब्बू भाई ये तो एकदम मान गया, 9 लाख रुपए बढ़ा दो, बहन की शादी हुई तो बननी यार। 39। अरे बब्बू भाई 1 लाख घाटे में हो तो 40। बब्बू भाई देखो जुबान की कीमत होती है, गंडे आओ मत हो, अब 39 लाख रुपए दूंगा। चलो ठीक है। डॉक्टर साहब पुलिस का मैटर भी तो रहता है इसमें। पुलिस उसकी टेंशन तुम मत लो, उसको मैं हैंडल कर लूंगा। ठीक है ठीक है जी। इसका फोन आ गया बहनचोद, परेशानी में। हेलो माय नेम इज उस्मान हैकर। आज केवड़ा ब्रिज पे इस शहर की मशहूर महिला का मर्डर होने जा रहा है, रोक सकता है तो रोकिए। अबे यार आज मत करे, आज मेरे भैया का मंडा है। पैसे कब तक कर देगा तू? आज रात 10 बजे। यार 10 बजे तो डीजे शुरू होगा यार, मेरे पास टाइम ना है। देख
टाइम घटा यार तू। चल तो फिर 7 बजे करवा दूं। यार 7 बजे भात आ रहे हैं, उनके नाश्ते पास्ते में लग जाऊंगा। यार तू ऐसा कर, टाइम और घटा ले। चल तो फिर 5 बजे करवा दूंगा। 5 बजे ना यार, तेरी ना मेरी, तू ऐसा कर 4 बजे कर ले। ठीक है? ठीक है। अरे सर पागल हो गए क्या तुम? क्यों सर, पुलिस को तो आपने पहले ही बता दिया, पुलिस तो वहाँ पहले से तैनात होगी। अबे झांट, वो पुलिस को हमने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, अबे तभी तो हम हैकर बने हैं, वरना नेकंडा बनते लास्टिक वाले। दुबे देखा मैंने कैसे चला के चल के 4 बजे को कह दिया। अब 4 बजे PKG गैंग केवड़ा ब्रिज के पास मर्डर करने आ गई, हम वहाँ पहले से तैनात होंगे। अब अपने पास टाइम नहीं है, जल्दी चलो। मैं पेशाब कर रहा हूँ सर बस। अबे यार पेशाब का टाइम नहीं है, जल्दी जाके बैठो यार। बब्बू भाई आज तो नए कपड़े पहनने के हैं, चलें क्या? अपनी अनारकली के पास। सर किलर दूर दूर तक ना दिख रहे, तुम कहो तो पेशाब कर आऊं। यूं ही तो हमें सफलता ना मिल रही, जब भी सफलता चल के हमारे पास को आती है तुम उस पर मुंह देते हो। अबे इसे थोड़ी देर को दाब के रख ले साले, आज अपने बहुत बड़ा प्रमोशन होगा अगर किलर पकड़े गए तो। सर दाब तो रखा ही है। क्या रे बब्बू, बहुत दिन बाद आया, बोल कौन चाहिए, सीला चाहिए या मुन्नी चाहिए? ओए मेरी बात को सुन, हमारे बब्बू भाई को ठेकेदार नहीं पसंद है, अजदूर मजदूर ना। मेरे पैसे दे देगा? अबो मन की यस। बब्बू टोपी तू तो क्या, तेरा पूरा कोटा खरीद दे बहन। सर हाँ बोल यार। अब तक तो मैं मूत के आ भी जाता, मुझे तो लगता अपना किसी ने चूतिया ही बनाया। एक बात बताओ मुझे, तुम मर्डर करने वाला कभी बताएगा? मैं वहाँ मर्डर करने जा रहा हूँ, आ जाओ मुझे पकड़ लो। अब हाँ ये बात तो ठीक कह रिया, किसी ने हमारा हिंदी में चूतिया बना दिया, अब तो मूतिया हूँ मैं। हाँ जा करिए तो पेशाब। हेलो क्या दुबे, जल्दी से गाड़ी में बैठो। सर मूत तो लूँ। अरे वहीं जाके मूत लिए भैया, अनारकली के यहाँ पहुँच गए किलर। अरे अबे ये सलीम कहाँ रह गया? सर वो पेशाब करने गया। पेशाब करने गया? अबे पेशाब तो तुझे लग गया था, वो तुमने मुझे जानना दिया ना, तो मैंने उससे कह दी मेरे बाट का पेशाब तू ही करिया। बहुत अकल है भाई तुम में। अबे जब अकल बढ़ रही थी तो तुम थे कहाँ? सर मैं सबसे पीछे वाली लाइन में था। पीछे वाली लाइन में था? चल सारे घर की तलाश ले। सर किसकी लेनी? अबे साले तुझे यहीं मारूं या थाने ले जाके? तलाशी लेनी है। तलाशी? क्या तलाशी? जब मर्डर हुआ तो आप कहाँ थे? मैं बुकिंग पे गई हुई थी। ये अनारकली जी कहाँ थी? ये जहाँ बैठे हो यहीं बैठी थी। आप चिंता ना करें, हम खूनी का जल्द से जल्द पता लगा लेंगे। दुबे आओ देखो। ठेकेदारनी बड़ी अच्छी थी। पीके जी? इसकी बहन का पीके जी मारूं? ये कैसा पीके जी हो गया? अबे अबे कहाँ को जा रही है? अरे वो ना अपना जर्मन सापट, अब तो उसे ले कहूंगा, वही कुछ सबूत ढूंढेगा। साले उसे लेके मत आ जाइए, कुत्ता थोड़ी हो रहा है वो तो जॉनी सिंस हो रहा है। उसका बस चला है तो पूरे डिपार्टमेंट की गड़ मान ले, जैसे किस बात की ट्रेनिंग दी है उसे। अबे सबूत कोई ढूंढता है वो तो साले ले मत आइए उसे, तुझे भी और उसे भी दोनों को मारूंगा। बैठ। सर कोई सबूत मिला क्या? एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। 11 तारीख को मेरे मामा की शादी है, अब मेरा खलेरा भैया है, मुमेरा भैया है, तहेरा भैया, सब अपनी अपनी बहू के साथ जाएंगे। अब तुम्हें तो पता ही है मेरे पास तो बहू ना, तो मैं कह रहा हूँ रात रात को अपनी बहू उधार दे दो, हम सुबह ही वापस आ जाएंगे। वहीं आके खड़ो दे दो। देखियो साले तू बाज ना लेगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, बस एक बंदा बचा है इस शहर का नेता नाजिमी किस 44, 5 तारीख को उसका कार्यक्रम है और तुम्हें उसको वहीं टपकाना है। भाई वहाँ तो बहुत पुलिस होगी। नहीं तुम्हें उसको सबके सामने ही टपकाना होगा, तभी तो इस शहर में मेरा खौफ फैलेगा। और रही बात पुलिस की, उसकी टेंशन तुम मत लो, वो मेरी हेडक है। सर देखना एक बुरी खबर है, आज शाम 5 बजे इंटरनेट की सेवा बंद कर दी जाएंगी। शिट। ओ बाबू भैया, अब मर्डर पटन न करने गए हम, 5 बजे तो अपनी पावर चली जाएगी। अभी शायद तुम ये बोल रहे हो कि तुम इस वक्त मेरे कंट्रोल में हो। अबे ओ मन की यस, हम सिर्फ 5 बजे तक तेरे कंट्रोल में हैं, उसके बाद हम खुद के राजा हैं। मुझे कुछ ना बता भाई,
तुम्हें उस बंदे को टपकाना ही होगा। खोपड़ी का पसीना भोफड़ी में को निकल जाता, और ज्यादा ही इंपोर्टेंट है ना उसे मानना। लसवा करोड़ रुपए ला, फिर हम जाने, हम मरे हमारी गांड मरे, तुझे कोई मतलब नहीं। अरे यार इतना बजट ना भाई, बजट ना तो निकाल ले भाई अपनी जेब और मोबाइल में डाल ले, गाना सुनते रहिए। वो चूते कहां से बल्ले पड़ गए? ए चूते गए अपने बाप को और माँ से दिए रात को। ज्यादा बोल रहे हो तुम। अब एक बात बताओ, जब तुम्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ तो सोचो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तुझसे ना होने का मेरा खत्म भी हुआ सारे मेला। अब यार नन्ने इतना बात का पतंग गड़वाना दिया। अबे रुको तो यार, अबे यार बब्बू भाई, अबे नन्ने भाई यार रुक तो जाओ, तुम तो यार नाराज हो गए। अबे रुक तो जाओ यार। यू आर अंडर अरेस्ट। भागने की कोशिश की तो जान से जाओगे। दुबे इन्हें अंदर डालो। तस्लीम फिल्टर को तुमने क्यों मारा? नहीं, हमने तस्लीम फिल्टर को नहीं मारा। तुमने नहीं मारा है? तुमने ना मारा, किसने मारा तो फिर किसने मारा, किसने मारा? हाँ हमने ही मारा। तो झूठ क्यों बोल ले कि हमने ना मारा? हम सोच रहे तुम हम पे तरस खा के हमें छोड़ दोगे। तुम पे तरस खाऊंगा मैं? तुम पे? सालो तुमने मेरा घड़ा फोड़ दिया, जिस घड़े में रोज पानी फेंक रहा मैं। घड़ा? अरे यार घड़ा तो हमने कोई नहीं फोड़ा यार। मतलब तुमने उस पेड़ को काट दिया जिसकी डाली पे मैं रोज बैठा करा। झूठ पे झूठ बोले चला जा रहा है, फसवाना चाह रहा है हमें खाने का। अबे दरोगे, हम पेड़ काटे हैं? अबे आदमी काटे हैं हम। अबे तुमने सालो अनारकली को मार दिया। मेरी सेटिंग थी वो सेटिंग, उससे मेरे फिजिकल संबंध थे, रोज लेकर आना उसे। तुम्हारी सेटिंग थी वो, पूरे जमाने की सेटिंग थी। तेरी भी सेटिंग थी? दरोगा साहब तुमने तो हमें बेगुनाह साबित करके छोड़ दिया था, फिर क्यों लेकर आए हो यहाँ को? मुझे तुम पे पहले ही शक हो गया था, जब से मैंने तुम पे नजर रखनी शुरू कर दी थी। मुझे सब पता है तुम दोनों किलर हो और ये पीके जी गैंग का आका यानी कि तुम्हारा पापा उस्मान हैगर है। एक बार तुम ब्लैक कलर की गाड़ी में कुछ गुंडों के साथ जा रहे थे, मैंने अपनी गाड़ी से तुम्हारा पीछा किया, तुम्हारी गाड़ी झाड़ियों के पास जाके रुकी और वहां तुम दोनों उतरे और मुट्ठी सुट्ठी ना पेशाब करा बस। मुझसे झूठ बोल गया इनने भी यार चला रहे मिस्टर है ना गया। सुधर जो सुधर। उसके बाद वहां से तुम्हारी गाड़ी चली और पेट्रोल पंप के पास एक लाल रंग का दुमजला बना नया, वहां जाकर रुकी। वो दुमजला वो तो मेरा ही है। हां इनका ही दुमजला, 100 गज में बना हुआ, टेले टेले सब लगा हुई है। तुम जल्दी से हम पे केस डालो और चालान करो यार। अरे चालान नहीं, पहले अली बाबा बताओ वो क्या हुआ। वहां से एक औरत आई, बड़ी गोरी चिट्टी, बड़ी खूबसूरत थी वो। उसे इन दोनों भाइयों ने बिठाया और ओए ले गए। तुम्हारे सामने मार रहा, श्रम नहीं कर रहा तुम्हारी बिल्कुल भी। हाथ उठा लिया लोंडो पे, बैठ। उसके बाद तुम्हारी गाड़ी एक फैक्ट्री में गई, उसकी दीवार कूद के मैं भी अंदर बढ़ गया। वहां जाके मैं सारा खेल समझ गया कि ये बहुत टेक्निकल आदमी है, तुम दोनों को यही चला रहा। मैंने सोचा ऐसा हाथ डालना बेकार है, इसलिए मैंने सीएम साहब से बात करी और 8 दिन के लिए इंटरनेट सेवा को बंद करा दिया। और जो तुम्हारा मिशन था ना नाजिम 2144 को मारने का, वो भी खत्म हो गया और तुम आसानी से मेरे हाथ लग गए। क्यों तूने तस्लीम फिल्टर को मरवाया? क्यों तूने अनारकली को मरवाया? और अब क्यों नाजिम 2144 को मरवाना चाहता है? क्यों? बहुत पुरानी बात है। अरे भाई सुलेमान। जी सरपंच साहब। सफाई हो गई सारे घर की? जी। जाओ अब खेत का काम देखो, चलो ऐसे। अम्मा मुबारक हो भाई सरपंच साहब, मुबारक हो इसकी बहन को। आपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था ना गांव के विकास के लिए, उसके 4 लाख रुपए आ गए मेरे पास। अरे सरपंच साहब अब तो तुम पे बतेरा पैसा आ गया, थोड़ा बहुत गाँव में भी लगवा दो। पागल हो गया क्या ये? अबे गांव में लगवाने को सरपंच थोड़ी बने हैं, अपना पेट भरने को सरपंच बने हैं। 1.5 लाख रुपए खर्च करे थे मैंने, वसूल ना करो क्या? ये बात हम तीनों के बीच में होनी चाहिए, किसी को पता ना चल जाए। ठीक है मगर मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। वाह कुत्ते कमीनो वाह, तुम जैसे लोगों की वजह से गांव में विकास नहीं हो रहा। भरोसा किया था हमने तुम लोगों पर और तुमने उस भरोसे को तोड़ दिया। देखना मैं दिल्ली तक जाऊंगा और तुम लोगों को जेल में डलवाऊंगा। सुलेमान तू ये भूल गया है तू हमारे घर का नौकर है। हट, नहीं करनी मुझे ऐसी नौकरी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे खिलाफ जाए, दबा लो यहां से। मैं सरपंच साहब मुर्गिया जान दे रही है, नमाज पढ़नी पड़ेगी। नमाज तो हमने पढ़ ली यार फजर की। अरे इसके जनाजे की। सरपंच साहब बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, सुलेमान ने सारी बात बता दी, पूरा गांव इकट्ठा होकर कलेक्टर ऑफिस जा रही है अपनी शिकायत करने। सरपंच साहब इसकी बहन करूं, वो कलेक्टर के पास जा रहा, हम चीफ मिनिस्टर के पास चले। इसकी बहन करूं। सरपंच साहब साले को जब ही टपकाना था हमें,
अरे तो उसे मानना कोई ज्यादा बड़ी बात है? आप टपका देंगे साले को? बाबूजी हम कहाँ जा रहे हैं? बेटे उस्मान, हम अपने गांव के भ्रष्टाचारी और लालची सरपंच की शिकायत करने कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं। सरपंच सुलेमान ने हमें तेरे बारे में सब कुछ बता दिया, तू कितना लालची और बेकार आदमी है। मेरे खिलाफ अगर किसी ने उंगली उठाई तो उंगली काट दी जाएगी, हाथ उठाया हाथ काट दिया जाएगा, जबान उठाई तो जबान काट दी जाएगी। सरपंच तेरी तानाशाही हम पे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सालों का घर जला दो, ऐड रहे हम पे। समीम जलाओ बहनचोदों के घर। इसकी बहन क्यों, 2 मिनट लगेंगे, सबके घर खाक कर दूंगा। अरे सरपंच साहब हमें माफ कर दो, हम तो इसकी बातों में आ गए। अरे तुम तो बहुत बड़े आदमी हो। सरपंच साहब माफ कर दो, अब जाओ गांव वालों बात की चलो। बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी मेरे बेटे उस्मान, तुम उससे वादा कर कि तू बड़े होके अपने बाप जैसा ईमानदार बनेगा। बाबूजी मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं बड़े होके आपके जैसा बनूंगा और इस दुनिया से सारी बुराई को खत्म कर दूंगा। पर वो क्या है बाबूजी? बेटे कल मैं अकेला ही कलेक्टर ऑफिस जाऊंगा और सरपंच और उसके साथियों की शिकायत करके आऊंगा, पर मेरा वहां से जिंदा आना मुश्किल है। क्या सुन रहा हूँ मैं? गाँव वालों बहुत जुलम हो रहा है। जो पैसे गाँव के निर्माण के लिए आए थे वो पैसे तुमने अपने घर में घुस लिए। कितने रुपए आए थे? 4 लाख रुपए आए थे। 4 लाख रुपए में गांव का नक्शा बदल जाता और तुमने गांव में कुछ भी विकास नहीं करा। ये बेचारा मासूम तुम्हारे गांव का विकास करना चाह रहा है, बड़ी मुश्किल से ये मेरे पास तक पहुंचा और तुम इसको डरा रहे हो, धमका रहे हो, मारा नहीं इस भोसड़ाले को। तू शिकायत लेके पहुंचा भी किसके पास है? हमारे दामाद के, जो खुद गाँव के 8 लाख रुपए खाए पड़ा है। गद्दार, तुम भी गद्दार निकले। अब तुम लोग देखते रहो, मैं और ऊपर तक जाऊंगा। सुसर साहब क्या करना है इसका? ज्यादा ही ऊपर ऊपर की जिद कर रहा है ना, क्यों ऊपर ही पहुंचा दे? तो एक काम करो, तुम इसे ऊपर पहुंचाओ, मैं इसकी साथियों में आता हूँ। सुलेमान भाई आप सही थे और हम तीनों गलत। अब हम तीनों को अपनी गलती का एहसास हो गया तो अब हम आपसे माफी मांगना आए। चलो कोई बात नहीं, आखिर तुम्हें बात समझ में तो आई, गलती तो इंसान से ही होती है। सुलेमान मेरे भाई मुझे छोटा समझ के माफ कर दे यार। साले ऊपर जाने कह रहा था ना तू, तो दे जाओ ऊपर। इस वजह से मैं अपनी हुकूमत कायम करना चाहता हूँ ताकि घूसखोरी और भ्रष्टाचार खत्म कर सकूं। अपनी निगाहों में तो ये सब तू ठीक कर रहा है मगर कानून की निगाहों में गलत है, और मेरे होते हुए तू नाजी में किच्चू वाले इसको नहीं मार सकता। उस्मान हैकर को तुम्हारी जेल की 4 दीवारी नहीं रोक सकती। 5 तारीख को निमाइज ग्राउंड में नाजी में किच्चू वाले इसको हम निपटा देंगे। मतलब रस्सी जल गई बलने जा रही है। सलीम मोटा वाला डंडा लाओ उस साल की लकड़ी का जो हम जफर चच्चा की दुकान पे सलाए। अरे साहब इन बदतमीजों के मुंह कहां लग रहे हो, सीधा चलान करो सालों का। अरे बेईमानी है ये। काजी बेईमानी है। अरे इसने पीछे उंगली कर दी, मतलब तेरा साथी है, तेरी अटक है हमारी अटक है। चलो 15 रुपए दे, उधार खाते में लिख लिए। अभी नन्हे हमें कब मिलेंगे ऐसी सफेद वाली ड्रेस? पता ना भैया यार। अबे तुम्हें ड्रेस की पड़ रही है? कल को 5 तारीख है और नाजिम इक्कीस को मुझे हर हालात में मानना है, क्या करें? कन्ने क्या भागो ऐसे? मगर भगा कैसा जागा? हम भगवांगे, बस दंगली लगेगी। कितने रुपए लेगा? तुम अपने आदमी 500 रुपए दे दिए यार, खर्चा निकल जाएगा हमारा बिजली वाली का। 500 रुपए क्या, मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा। प्लान क्या है? प्लान आओ मेरे साथ। बिल्लू भाई संजीदा दी होंगे ना। अबे बब्बू तू, अबे नन्ने, अबे तुझे कौन बहन का जुदाई लेके आया यहाँ पे? वो लाया कटवा तुम्हारा पुलिस वाला। अरे ये कौन है बतासे में चेट्टा? ये बॉस है हमारे। इसने सलाम नहीं किया, इसको पता नहीं है क्या? नदीम उर्फ बिल्लू सांडा 18 मर्डर कर रखे संजय दत्तियों में। ब्लैक मनी मैंने भी देखी है, कितने मर्डर करे हैं तूने?
किस काम से आना हुआ टोपी? बिल्लू भाई हमें जेल से फरार होना है, तुम्हारी मदद चाहिए। ओफो, दो मिनट का काम है। ओ, आज तो संडे, आज तो मैं छुट्टी पे हूँ भाई। तुम ऐसा करो, कल तो पीर है, कल मैं 12 बजे सो के उठूंगा और खाना वाना खाऊंगा, 5 बज जाएंगे, फिर जो है रात हो जाएगी, सो जाऊंगा। तुम ऐसा करो परसों को आओ। 5 तारीख को हमारा मिशन है और उस मिशन पे पहुंचना हमारा बहुत जरूरी है। उस मिशन को करने के बाद मैं तुम्हें भी जेल से निकाल लूंगा। ए, जन्नत है ये बिल्लू सांडा की जन्नत। अबे हम भाग रहे हैं यहाँ से, तू निकलवागा हमें जेल से नदीपुर बिल्लू सांडा। हमें जरूरत नहीं है यहाँ से निकलने की। मुझे पता है कितनी सहूलियत है यहाँ पे, हर हफ्ते मटन बनता, तीसरे दिन मुर्गा मिलता और संडे में बीएफए चलती है, पुलिस एसडी में वो लग रही है। और हमारे जेलर साहब फरिश्ता है फरिश्ता। चुट्टू बुट्टू लोंडो को बाहर निकलवाओ। अगर हमारी जरूरत पड़े ना मिशन पे तो हमें याद कर लेना। छुट्टू बुट्टू और बिल्लू भाई वहीं मौजूद मिलेंगे। हाँ याद रखना, बिल्लू सांडा संजय। सर वो तीनों भाग गए। क्या वो तीनों भाग गए? क्या करूं? हेलो नेता जी, आज का कार्यक्रम अपना कैंसिल कर दो, आपकी जान को खतरा है। मैंने आपको बताया था ना कि उस्मान हैकर आपको मारना चाहता है, आज वो अपने साथियों के साथ जेल से फरार हो गया। आप कोई सही सा होटल देख के रुक जाओ, आपकी प्रोटेक्शन के लिए मैं आ रहा हूँ, ठीक है? अरे बॉस, नाजिम 41 कौन से रूम में रुका हुआ है? रूम नंबर 206 में रुका हुआ है। अरे ये तो दूसरी जगह है, यहाँ तो नेटवर्क आ रहे होंगे, जल्दी से कनेक्ट करो। ओ शिट, यहाँ भी नेटवर्क नहीं आ रहे। तुम ऐसा करो रिसेप्शन पे जाओ और यहाँ के वाईफाई का पासवर्ड पता करके आओ। अरे सर, वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर दिया क्या तुमने? बताओ जरा जल्दी। पासवर्ड? मेरा नाम इंस्पेक्टर इरफान है, मैं यहाँ नेताजी की प्रोटेक्शन के लिए आया हूँ। इन तीनों ने यहाँ रूम लिया है क्या? अरे बताया नहीं आपने? सर इन तीनों ने यहाँ पे रूम नहीं लिया। चलो नहीं लिया ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं नेताजी की तरफ से हूँ। मेरा रूम कौन सा है? आपका रूम 209 है। एक्स्ट्रा सर्विस मिलेगी क्या? एक्स्ट्रा सर्विस? अरे सर, एक्स्ट्रा सर्विस नहीं भी होगी तो आपको तो देनी पड़ेगी। आप दोगे क्या? अरे मैं क्या, मैं मंगवाऊंगा, जल्दी भिजवाओ। और वो भाई मैं पहचानने में तो ना लिया। सर क्या हुआ? आई नहीं, पहले दूध तो पियो, 1 मिनट तक जब ही तो टिक पाओगे। बोल बे। यह है, इंस्पेक्टर को हमने बेहोश कर दिया। शहर की सबसे बड़ी हस्ती आज हमारे कब्जे में है, इसको मारकर हम इस शहर पर राज करेंगे।
साइको किलर गैंग ने इस शहर की जान तस्लीम फिल्टर को मारा और हमारी जान अनारकली को मारा। इसी गैंग ने नेताजी नाजिम 2144 को अगवा करके मारने की कोशिश की। आज जवाबी फायरिंग में इन तीनों का एनकाउंटर कर दिया गया है। अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हीं की वजह से इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया था। आज फिर से इंटरनेट को शुरू कर दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और गाइस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेड आइकन आ रहा है उस पर टैप करके और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो मिस ना हो। एंड गाइस प्रोमो को डाउनलोड करो, वो भी बहुत अच्छी ऐप है, एक बार चेक करो जाकर। और गाइस फेसबुक पर फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में।